गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं मुकेश सैनी वीएम के क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, हमने पहले दो चैप्टर किए थे, वो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सर त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, उनके सारे पार्ट्स हमने कर लिए थे। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन, शंकु और गोले के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपके सामने इस चैप्टर की पूरी समरी रख रहा हूँ। पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या इस चैप्टर में करना पड़ेगा, कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या है। पहले इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, फिर एक एक करके इस चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे, क्या इस चैप्टर में करना है, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, बाकी वगैरह सब देखेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के बारे में। इन सब के बारे में पहले जानना ये जरूरी है कि ये आते किसके अंदर है। ये सभी ज्यामितीय आकृतियां होती है हमारी, ये सभी कौन सी आकृतियां होती है, ज्यामितीय आकृतियां। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ज्यामिति क्या चीज होती है। हम बात करेंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है, हमारे सिलेबस में हमारे मैथ्स में ज्योमेट्री क्या चीज होती है उनके बारे में। ज्योमेट्री हमारे दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्लेन ज्योमेट्री समतल ज्यामिति और एक होती है सॉलिड ज्योमेट्री ठोस ज्यामिति। अब प्लेन ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या आता है, सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या आता है, हमने छोटी क्लासों में जिससे हमारे बात करते हैं 6, 7, 8, 9, 8 तक आपने पढ़ा था प्लेन ज्योमेट्री समतल ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ा था। उनके अंदर कौन कौन सी आकृतियां होती है, वो होती है हमारे जैसे आपने पढ़ा था रेक्टेंगल आयत के बारे में, आपने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में, आपने पढ़ा था वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है, आयत क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है। ये सभी आपने छोटी क्लासों में जैसे 6, 7, 8 तक आपने पढ़ चुके हो। उसके बाद बात करता हूँ कि ये 2D समतल ज्यामिति है, ये कौन से फिगर के अंदर आती है, ये हमारे 2D फिगर्स के अंदर आती है, द्विमितीय ज्यामिति होती है। इसका मतलब क्या होता है, 2D फिगर्स का मतलब होता है कि इसमें केवल दो डायमेंशन होती है हमारे, वो होती है लेंथ और ब्रेथ। जैसे आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगल आयत, आयत की ये तो हो गई आपके सामने लेंथ और ये क्या हो गई ब्रेथ, जैसी लंबाई होती है उसकी हो गई चौड़ाई। इसी प्रकार स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर के बारे में, सर्कल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, इनमें लेंथ ब्रेथ दो ही चीज होती है। हमारी कौन सी फिगर्स में आते हैं, 2D फिगर्स में कौन सी ज्यामिति, समतल ज्यामिति। एक होती है हमारी सॉलिड ज्योमेट्री ठोस ज्यामिति, वो होती है हमारे 3D फिगर्स में। उसमें देखो हमारे दो चीज तो होती होती है, लेंथ और ब्रेथ तो होगी होगी, उसमें एक नई चीज जुड़ जाएगी, वो होती है हमारे हाइट। इसलिए इसको फिगर को नाम दे दिया 3D फिगर्स। अब 3D फिगर्स में हम कौन कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे, जैसे बेलन, शंकु, गोला, घनाभ, इन सभी आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम में क्या चीज होती है। मैं बात करता हूँ यहाँ से 2D फिगर्स की। आपने 2D फिगर्स की बात की, जैसे हमारे मैं बात कर रहा हूँ मेरे रेक्टेंगल की, 2D फिगर्स समतल ज्यामिति, समतल ज्यामिति यानी 2D फिगर्स में दो चीज होती है हमारे, लेंथ और ब्रेथ। 2D फिगर्स द्विमितीय आकृतियों के बाहर की जो बाउंड्री होती है, ये जो बाहर की बाउंड्री है, ये 2D फिगर्स है मेरा आयतन, इसके बाहर की जो बाउंड्री होती है उसकी जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लंबाई, जैसे मान लो ये पूरी चारों ओर की इसकी लंबाई हो गई, तो उसको कहेंगे इसका पेरिमीटर परिमाप। किसी भी 2D फिगर्स के बाहर की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, किसी भी 2D फिगर्स के बाहर की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वो कहलाता है उसका परिमाप। ये तो हो गया इसका पेरिमीटर परिमाप। अब बात करूंगा मैं इसके एरिया की, कि इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया क्या चीज होती है। किसी भी 2D फिगर्स के अंदर
जो स्थान होता है, जो स्पेस होता है पूरा का पूरा, उसे कहते हैं उसका एरिया। क्या कहते हैं उसे? उसका एरिया। किसी भी 2D फिगर्स के, किसी भी 2D फिगर्स के बाहर की पूरी बाउंड्री को तो कहेंगे उसका परिमाण, और किसी भी 2D फिगर्स के अंदर का जो स्थान होता है उसे कहते हैं उसका एरिया, क्षेत्रफल। ये तो बात होगी हमारे प्लेन ज्योमेट्री की, समतल ज्यामिति के 2D फिगर्स की। अब मैं बात करूंगा सॉलिड ज्योमेट्री। अब सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे होते हैं फेसेस, फलक, फेसेस होते हैं फलक। अब मान लो कोई भी अलग अलग आकृतियां, उनके अलग अलग फलक हो गए, उन सबके एरिया को, उन सबके एरिया को उसका कहेंगे सरफेस एरिया। किसी भी 3D फिगर्स के सभी फेसेस के एरिया को कहेंगे उसका सरफेस एरिया। किसी भी 3D फिगर्स के सभी फेसेस, सभी फलकों के, सभी पृष्ठों के जो एरियाज को मिला देंगे तो उसको कहेंगे उसका सरफेस एरिया। अब मैं बात करूंगा, क्या बात बची हमारे वॉल्यूम की। एक बार थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रो दे रहा हूं, फिर एक एक चीज के बारे में, एक एक जो आकृति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करूंगा मैं इसके वॉल्यूम आयतन की। किसी भी 3D फिगर्स में, किसी भी 3D फिगर्स में उसके अंदर, जैसे मान लो आपके पास क्यूबॉइड है, ये मान लो अपना कमरा है, क्यूबॉइड शेप का है, इसके अंदर जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, इसके अंदर का जो टोटल स्थान होता है वो कहलाता है उसका आयतन, वॉल्यूम कहलाता है। इस प्रकार हमारे चैप्टर का नाम बना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस प्रकार हमारे चैप्टर का नाम बन गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हम एक एक करके डिटेल से इसकी टोटल जो शेप है, क्यूबॉइड, बेलन, शंकु, गोला, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि इनमें क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या हाइट है, कैसे इसका सरफेस एरिया निकलेगा, कैसे इनका वॉल्यूम है निकलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्यूबॉइड की, देखते हैं क्यूबॉइड की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले 3D शेप की बात करेंगे, वो है हमारी क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड कैसे बनता है? मेरे पास जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये मेरे पास आयताकार शीट है, ये इसकी लेंथ और ये इसकी क्या है ब्रेड, और इसकी हाइट नेक के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इस आयताकार शीट के सिमिलर इस पर दूसरी आयताकार शीट रखूंगा, ऐसे की ऐसे। अब इसकी हाइट है जरूर, लेकिन थोड़ी बहुत ही कम है नए के बराबर। ऐसे ही मैं इसके ऊपर सीट, आयताकार सीट रखते जाऊंगा। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कार्ड ताश की गड्डी देखी होगी, उसमें प्रत्येक जो हमारे अलग अलग ताश है वो किस शेप की होती है, आयताकार से। तो ये किस इस प्रकार एच ऊंचाई तक चली जाएगी। तो हमारे पास देखो इसकी लेंथ, ब्रेथ और ये नई चीज, तीसरी चीज क्या आ गई, हाइट। ये आ गई हमारे पास 3D शेप, और इस पूरी शेप को हमने नाम दे दिया था क्या, क्यूबॉइड। तो हमारा कुल मिला के क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का हो गया, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और क्या है हाइट, तीनों चीज है। अब इसमें कैसे इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, कितनी इसमें साइड्स होती है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे, कितने इसमें फेसेस होते हैं। मैंने बताया था कि किसी भी 3D शेप का टोटल सरफेस एरिया है वो किस प्रकार निकाला जाता है, कि उसके सभी फेसेस, सभी पृष्ठों के एरिया को निकाल दो और वापस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया उसका आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं। जैसे मेरे पास ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के आपने दैनिक जीवन में बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे आपने संदूक देखी है, बॉक्स देखे हैं, ये रूम हमारा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये रूम भी किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। अब इसमें कितने फेस होते हैं वो देखते हैं। हमारे पास एक क्यूबॉइड में टोटल फेस होते हैं 6। क्यूबॉइड में टोटल फेसों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, 6 फेसेस होते हैं टोटल हमारे पास, और उनमें भी सभी के सभी फेस होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि क्यूबॉइड है वो किससे बना, मिलकर बना होता है, आयत से मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। क्यूबॉइड है वो हमारा आयत से मिलकर बना होता है।
अब उसमें भी आमने सामने क्यूबॉइड में आमने सामने के पृष्ठ फलक है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये मेरा एक इस तरीके का आयताकार पृष्ठ है क्यूबॉइड का, इसके सामने वाला पृष्ठ, इसके विपरीत साइड, दूसरी साइड में जो पृष्ठ है वो भी इसके जैसा का जैसा क्या होगा, एक आयत होगा। इसी प्रकार ये फेस है उसके जैसा का जैसा इसका सामने वाला फेस होगा, ये फेस है उसके जैसे का जैसा इसके सामने वाला फेस होगा। इसे हम कमरे में देखते हैं, ये दीवार है इसके जैसी ही सामने दीवार होगी, ये दीवार है इसकी जैसी सामने वाली दीवार होगी, फर्श है जिसके जैसा हमारा क्या होगा, टॉप होगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं, ये देखो इसकी लेंथ, ब्रेथ और ये क्या है इसकी हाइट, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक फेस है इसका, इसका मैं एरिया निकाल लूंगा, ये पृष्ठ इसका क्या निकालूंगा एरिया, इसके जितने का जितना एरिया होगा इस सामने वाले पृष्ठ का होगा। तो इसका मतलब हमने कितने फेसेस के एरिया निकाल लिए, दो फेसेस के एरिया निकाल लिए। अब मैं इस फेस का एरिया निकाल लूंगा, उसके जितना का जितना किसका होगा, इस फेस का एरिया होगा। तो हमने कितने फेसेस के एरिया निकाल लिए, दो फेसेस के और निकाल लिए, कुल मिला के कितने हो गए चार। इसी प्रकार मैं इसका एरिया निकालूंगा, उसके जितने का जितना किसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा। तो हमारे पास कुल मिला के कितने फेसेस के एरिया हो जाएंगे, छह फेसेस के एरिया हो जाएंगे। इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके साइड्स की, इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है। ये हमारे पास एक घनाभ है, जैसे ये भी मेरे पास एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है, इसमें टोटल किनारे कितने होते हैं, इसमें किनारों की संख्या होती है 12, किनारों की संख्या होती है 12, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4। अब ये इसमें शामिल हो गया तो ये ऊपर वाले में शामिल नहीं होगा, 5, 6, 7 यहां से ये शामिल हो गया, 8, 9 फिर 10, 11 और ये क्या हो गए 12। टोटल किनारों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, 12। आप इससे भी समझ सकते हो, 1, 2, 3, 4। अब यहां से आ जाओ 5, 6, 7 क्योंकि ये इसमें शामिल हो गया था। अब यहां से आ जाओ 8, 9 अब इसमें आ जाओ 8, 9 ये हो गया 10, 11 और ये क्या कितना हो गया 12। टोटल हमारे पास किनारों की संख्या हो गई कितनी 12। अब इसका टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकाले, हमारे पास टोटल पृष्ठ कितने हो गए 6। अब उनमें से देखो, एक यहां से हमने नाम दिया था, एक का नाम देते लेंथ, जैसे ये इसकी क्या है लेंथ, ठीक है, ये इसकी क्या होगी ब्रेथ, और ये यहां से एक इसकी क्या हो जाएगी हाइट। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो सभी को जोड़ देंगे, क्यूबॉइड का हम एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो होगी इसकी लेंथ हमारे पास, ये होगी इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट। अब हमें इसका ऊपर का वाले का एरिया निकालना है, जितना इसका होगा उतने का उतना इसके सामने वाले का एरिया होगा। अब इसका एरिया निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, हम जानते हैं किस शेप कैसी है आपके पास, ये शेप है आपके पास रेक्टेंगल, ये कैसी शेप आपके पास रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हमारे पास ये फेस कितने, एक और ये कितने दो, ये दोनों फेसेस हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो हम निकाल रहे हैं क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दो फेसेस एक जैसे हैं, एक का निकालने क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के आ गए। अब आगे वाले दो की कैसे निकालेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं मेरे इस फेसेस की, ध्यान से देखना, ये तो अब ये जो बी है ये इस फेसेस के लिए, इस पृष्ठ के लिए, ध्यान से देखना, इस पृष्ठ के लिए ये क्या बन गई इसकी लेंथ बी और ये इसकी क्या है ब्रेथ जो एच है। तो इसका मतलब यहां से हम एरिया, ये है तो हमारा एक रेक्टेंगल ये और ये, अब इसका एरिया निकालेंगे वो होता क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसके एल की जगह हमारे पास आ क्या गया बी,
और b किसका क्या आ गया h, तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकालेंगे वो क्या होगा b इनटू h, है कितने है हमारे पास दो, तो इन दो के क्या हो गए प्लस में 2bh। अब बाकी बचा क्या, एक और बचा है हमारे पास, वो क्या बचा है देखो, बाकी जो तीसरा फेसेस बचा है वो कुछ इस तरीके का हो गया, देखो इसकी ये रही लेंथ और ब्रेथ की जगह इस बार क्या हो गया h, तो इनका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ l इनटू h, तो यहां पर तीसरा क्या हो गया 2 इनटू l इनटू h। अब इन तीनों को आपस में क्या कर रहे जोड़ दे रहे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 तो कॉमन आ गया, बचा क्या lb bh और प्लस में hl या lh, बात तो एक ही, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, इस तरीके से निकलता है। अब बात करेंगे घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे कई बार हमारे से पूछ लिया जाता है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि एक कमरा है उसकी चारों वॉल्स पर हमें कलर करना है तो उस पर कितने रुपए खर्च होंगे, तो इसके लिए हमें उस वॉल की चारों दीवारों का एरिया चाहिएगा, तो वो कैसे निकालेंगे, सीधा इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, तो हमारे पास क्या होता है ये घनाभ है जैसे हमारा रूम और इसका छत और पैंदे को इससे हटाना है, तो हमें एक बात पता है घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ है वो किस जैसा होता है रेक्टेंगुलर होता है आयताकार होता है, तो ऊपर जैसे छत और फर्श का जो एरिया है जितना छत का होगा उतना ही क्या होगा फर्श का, क्योंकि हमें पता है कि घनाभ के आमने सामने के जो पृष्ठ है वो क्या होते हैं समान होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये नीचे वाला ये और ये ऊपर वाले का क्या कर देंगे एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किस क्या बचेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हमारे पास देखो क्या निकाल रहे हैं घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल उसमें से निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 इनटू lb bh और hl में से माइनस क्या करना पड़ेगा कितने आयताकार आयत के क्षेत्रफल घटाने पड़ेंगे 2 और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होता है l इनटू b, अभी देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 lb 2 bh और 2 hl माइनस 2 lb, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए यहां से 2 कॉमन आ गया क्या बचा देखो कुल मिला के आपके पास ऐसा बचा 2 इनटू l प्लस में b इनटू h, ये हमारे पास क्या है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का ये हमारे पास है क्षेत्रफल। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था ये क्या चीज है, ये है मेरे पास पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल आयत का परिमाप, आयत का परिमाप वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी और ये क्या है इसकी हाइट, इसका मतलब मैं आयत के परिमाप को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की, सरफेस एरिया तो बढ़ दिया हमने, अब मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की, किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना, आयतन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, किसी भी वस्तु के आधार के क्षेत्रफल को उसकी हाइट से गुणा कर दिया जाए तो हम उसका क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे, जैसे मेरे पास ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड जहां पर आधार का मैं जहां टिकी हुई है तो इसका आधार किस जैसा है आयताकार है या नहीं, इसका इस घनाभ का आधार इस क्यूबॉइड का आधार मेरे पास क्या है आयताकार, और इसकी ऊंचाई से इसको गुणा कर दिया जाए तो मेरे पास इस क्यूबॉइड इस घनाभ का क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा, तो घनाभ का आयतन क्या होगा घनाभ का
आयतन, घनाभ का आयतन होगा, देखो आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार मेरे पास क्या है, आयत के जैसा आधार का क्षेत्रफल होता है एल गुना बी, और उसको किससे गुणा कर दिया, एच से, तो ये आ गया मेरे पास घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अब एक और चीज बची है इसका फॉर्मूला आप तुम लोग ध्यान में रखना, बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विकिरण, घनाभ का विकिरण की लंबाई, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका फॉर्मूला आप याद रखना, घनाभ का विकिरण डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला आता है अंडर के रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकिरण। अब इसके बाद मैं बात करूंगा हमारे घन की, क्यूब, घनाभ तो हमारा मिलकर बना होता है आयतों से, और उसी प्रकार वर्गाकार आकृतियों को मिलाकर बनाया जाता है हमारा क्यूब, घन, वर्गाकार आकृतियों से मिलकर बना होता है हमारा क्या, घन। अब घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का वॉल्यूम, किस प्रकार से घन का डायगोनल निकालते हैं वो सब देखेंगे। अब आपके सामने आपको एक बात ये बता सकते हैं कि सभी वर्गाकार आकृतियों से मिलकर क्या बनाया जाता है, घन। घन और घनाभ में केवल इतना ही डिफरेंस है कि घनाभ को तो आयताकार आकृतियों से मिलकर बनाया जाता है, घन को क्या, वर्गाकार आकृतियों से मिलकर बनाया होता है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, सेम होती है, एक ही होती है, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, या फिर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सकती है, ऊंचाई अलग हो सकती है, लंबाई और ऊंचाई बराबर हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी आकृति में, घन या घनाभ में डिफरेंस ये है कि अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कोई भी एक चीज अलग 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 है तो वो तो हमारा होगा ठोस घनाभ, अगर तीनों सेम है तो वो होगा हमारा घन। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालने, अगर आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ की विकिरण की लंबाई निकालनी आ गई तो आप घन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम बात करते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किस प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारे पास घन और घनाभ में फेसेस, पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 6, और घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है, तो एक फेस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक का होता है हमारे पास 2, क्या होता है, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास होता है, एरिया स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और इसकी एल बी और एच की जगह आपके पास एक ही नाम आ जाएगा, घन की भुजा क्या है आपके पास, एक, तो यहां से घन का क्षेत्रफल क्या बन गया, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास क्या बन गया, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहां से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह आपके पास क्या है, a, और भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब मैं बात करता हूं घन के आयतन की, घन के आयतन का वही आयतन का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन का सूत्र हमारे पास क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और हमारा आधार, घन का आधार कैसा है, वर्गाकार, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आधार क्या है, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हाइट, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो तीनों क्या है, सेम, हाइट h की जगह पे मेरे पास क्या आ गया, a, तो हमारे पास घन के आयतन का सूत्र क्या हो गया, भुजा क्यूब। अब बात करता हूं घन के विकिरण की लंबाई की, घन का विकिरण, घन का विकिरण, अब घन का विकिरण फॉर्मूला, हमने घनाभ का विकिरण निकाला था अंडर के रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जबकि घन में
हमारे पास क्या है, एल डी और एच की जगह आपके पास है क्या ए, तो अंडर के रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टोटल कितने ए स्क्वायर हो गए, तीन ए स्क्वायर, तो बचा क्या रूट तीन ए। ये क्या है आपका घन का विकिरण, ये है आपके पास घन और घनाभ के टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम और उनके विकिरणों की लंबाई के फॉर्मूले। अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। अब बात करते हैं बेलन की, सिलेंडर की। हमारा सिलेंडर है वो वृत्तों से सर्कलों से मिलकर बना होता है, जैसे मैं समान सर्कलों से, जैसे एक मेरे पास ये सा सर्कल है, उतने ही त्रिज्या के मैं सर्कल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के जब एच ऊंचाई तक रख दूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके की आकृति आएगी, जिसे कहते हैं हम सिलेंडर बेलन। इसका दैनिक जीवन में भी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने कॉइन देखे होंगे सिक्के, अगर मान लो मेरे पास पांच पांच के सिक्के हैं, मैंने ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से सिक्कों को देखोगे तो आपको एक बेलन की जैसी, सिलेंडर की जैसी आकृति दिखाई देगी। जैसे मेरा ये पेन है, पेन भी एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है, और भी जैसे पाइप है वो पाइप भी हमारे सिलेंडर के एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब आपको यह बात यह पता चल गई कि हमारे पास बेलन है वो एक समान वृत्तों से मिलकर बने होते हैं, जिसके टॉप और बेस वो दोनों क्या है, सर्कल है, हमारे वृत्त है, और इसको कहां तक एच ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह होगा कि इस नीचे वाले बेस वाले वर्त है उसकी त्रिज्या मेरे पास क्या है आर, तो इसका मतलब ऊपर वाले जो टॉप में हमारे पास सर्कल होगा उसकी भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, समान त्रिज्या होगी, और उनकी ऊंचाई वो क्या होगी, एच ऊंचाई होगी। अब इसका निकालते हैं हम क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सिलेंडर के दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मेरे पास एक आयताकार सीट है, आपके पास एक आयताकार कागज से देख लो, और इसकी ये तो है मेरे पास लेंथ और ये क्या है ब्रेड। ब्रेड को मैं एच से बी से न रिप्रेजेंट करके ये मेरे पास आयताकार सीट है, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेड्थ है। इस ब्रेड्थ को मैं बी से न रिप्रेजेंट करके एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसको मैंने ऐसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर, इसको लंबाई के अनुदिश मोड़कर कुछ मैंने क्या बनाया, एक सिलेंडर जैसी शेप बनाई है। इसको लंबाई के अनुदिश इस तरीके से मोड़कर एक ऐसी सिलेंडर जैसी शेप मैंने बना ली, इसको लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ा तो मेरे पास कुछ इसी सिलेंडर जैसी शेप बनेगी, ऐसी मेरे पास सिलेंडर जैसी शेप बनेगी। देखो इसको मैंने लंबाई के अनुदिश मोड़ा तो ये तो मेरी एच की एच रह गई, और ये आपके पास इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर मान ली, और आपको देखो इसमें लंबाई के अनुदिश मोड़ा है तो आपके पास जो ये ऊपर वाली जो शेप बनी है सर्कल की, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास क्या होगी, एल, जो इसकी क्या कहलाएगी, हमारे पास बेलन की परिधि, बेलन के वर्ताकार भाग की क्या कहलाएगी, परिधि, ये हमारे पास। और आपको पता है वर्त की, ये सर्कल जैसा भाग बना है और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। यहां से आपको पता चल गया, देखो हमने इस लंबाई को अनुदिश मोड़ा है तो यहां से ये लंबाई इस बेलन की क्या कहलाएगी, परिधि। इसका मतलब 2πr है वो l के इक्वल होगा, यानी सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया वो कैसे निकालूंगा। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया उसका केवल बाहरी भाग होगा, उसका आधार और उसका ऊपर वाला टॉप को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, बॉटम और ऊपर वाले टॉप को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे इसको। तो यहां से अब इस भाग का एरिया निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा, इसका मतलब मैंने इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा है यहां से, तो इसका वक्राकार भाग ये तो क्या हो गया मेरे पास, यहां से ये बात हो गया 2 पाई
और इसको कहां तक ले गया हूं, h ऊंचाई तक लेके गया हूं। तो देखो इसका मतलब मैंने इस आयताकार शीट से ये सिलेंडर बनाया, इस आयताकार शीट से क्या बनाया, ये सिलेंडर बनाया। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा मेरे पास यहां से ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालूंगा इसका, कवर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। तो इसका मतलब इस शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास l * b, लेंथ * क्या होता है ब्रेथ, l * b। तो यहां से आपके पास l b की जगह आपके पास क्या है h, यहां से अब l लंबाई, जो ये शीट की लंबाई है ये वृत्ताकार भाग की क्या कहलाएगी, वृद्धि 2 पाई आर एच की जगह ये आपके पास क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है मेरे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो गया 2 पाई आर एच। आपके पास ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 2 पाई आर एच, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं इसका दूसरा निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ये वृत्ताकार भाग ऊपर वाला और नीचे वाला दो वृत्त के क्षेत्रफल और जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो गया आपके पास, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण इसको बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया सी एस ए और ये होता है टी एस ए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएसए ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और टॉप का क्षेत्रफल, मतलब कुल मिला के आपके पास दो वृत्त और होंगे, दो गुणा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या आपके पास क्या है स्मॉल आर, यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आपके पास वृत्त टोटल कितने हैं 2, तो 2 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो इन दोनों में से कॉमन पार्ट आ रहा है आपके पास 2 पाई और आ रहा है आर और बचा क्या एच, यहां पर क्या बचा आर, ये आ गया आपके पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं बात करता हूं आयतन की, बेलन का आयतन, मेरा बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन का आपको रामबाण फॉर्मूला बताया गया था कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और आपको पता है बेलन का आधार मेरे पास क्या है वृत्ताकार है, बेलन का आधार ये बेलन का जो नीचे वाला आधार है वो क्या है वृत्ताकार, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार तो आपके पास है वृत्ताकार, उसको कहां तक h ऊंचाई तक लेके गए हैं, तो यहां से आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर और गुणा में क्या है h, ये हो गया मेरे पास बेलन का आयतन, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आपके पास क्या आ गया बेलन का आयतन। इस प्रकार आपने आज कुल मिलाके तीन चीज पढ़ ली, क्यूबॉइड क्यूब और सिलेंडर, क्यूबॉइड का टीएसए टोटल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, विकिरण की लंबाई, आयतन, इसी प्रकार क्यूब की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकिरण की लंबाई, आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है उसके फॉर्मूले हमने देख लिए। नेक्स्ट पार्ट में, अगले वाले पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि किस प्रकार एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार इसके क्वेश्चनों को करेंगे, आगे को करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।